यार उम्र जनरल के लिए विशेष यही है, कम लड़ा करो, बहुत लड़ते हैं आपस में, इतनी इतनी सी बात पे लड़ पड़ते हैं सर। वो तो कहते हैं कि ये यूट्यूब की हद तक है व्यूअरशिप के लिए, कि ये रियल में लड़ाइयाँ हो रही होती है। आदि हो गया, मैं कहता हूँ लड़ो। हाँ, मैं तो वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहा था प्लीज लड़ाई करो। सबसे पहले ये बताएं कि पर्सनली किसी टिकटॉकर को पसंद करते हैं? हाँ। किसको? उमर को, मेरा भाई। यार ये ना किया करें, ये आप वखरा नेपोटिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं नहीं अच्छा तो मेरा भाई अच्छा, मैं अच्छा मेरा भाई अच्छा। अच्छा फीजा मुनीब। अच्छा ये तो आपका सर्कल हो गया। अच्छा चलो, बाजिद कराची से है। अब मैं जिस जिसका आपको नाम लूँगा सारे आपको कहोगे मेरा सर्कल है। फिर जिनका नाम मैं सुनना चाह रहा था वो नहीं आप ले रहे। वो सारे सारे अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम करते हैं लोग उनकी तारीफ करते हैं, जो नहीं करते लोग उनकी तारीफ नहीं। चले मैं पूछता हूँ कि हीरा कैसा काम कर रहे हैं? हीरा भी अच्छा काम कर रही है, सारी अच्छा काम कर रही है। शहर वो कैसा काम कर रही है? वो भी सारी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा काम कर रही है। आप बार बार मुस्कुरा क्यों पड़ते हैं? मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं वैसे ही हंसमुख सा लड़का हूँ और मैं रोने लग जाऊँ यहाँ पर। बट साहब वाकई हंसमुख बच्चे हैं या टिकटॉकर हैं, मैं इन्हें क्या कहूँ बट साहब, लेकिन शार्प बहुत हैं। कोई भी सवाल जो कंट्रावर्शल सा हो ना उसको, सर ये वीडियो वायरल कैसे करेंगे आप? पता नहीं मुझे क्या। अच्छा सर चलें, मैं आपसे बींगा जर्नलिस्ट एक सवाल पूछता हूँ कि बहुत से लोग आपका नाम सहर हयात के साथ जोड़ते रहे, उसमें कुछ सदाकत थी? क्योंकि मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर इसमें सदाकत नहीं थी तो जो लोग भी उनके साथ आपका नाम जोड़ रहे थे वो आपके साथ तो ज़्यादती कर रहे थे, वो सहर हयात के साथ भी ज़्यादती कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तानी जैसे माहौल कल्चर में किसी खतून के साथ किसी लड़के का नाम जोड़ देना मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादती होगी अगर इसमें सदाकत नहीं थी तो। अच्छा वो सीन कुछ ऐसा है कि हम पहले हम उनके साथ वीडियोज़ बनाते थे हम लोग साथ, तो अच्छा कंटेंट बनाते थे, ये वो बहुत अच्छी दोस्त थी। बस उसके बाद वो मतलब वो किधर और वीडियोज़ बनाने लगी, हम लोग किधर और वीडियोज़ बनाने लगे, बस यही बात थी। किसी लड़ाई की वजह से, किसी मसले की वजह से या बस वैसे? वैसे बस मतलब एक वो होता नहीं है कि वो अब ड्रामा ख़त्म हो गया तो अब नया ड्रामा नई कास्ट के साथ। हाँ तो बस वो किसी और के साथ दोस्तों के साथ बनाने लगी, मैं अपने दोस्तों के साथ बनाने लगे, बस ये। जो आपके दोस्त अहबाब भी इवन के और जो आपके ये पेजेस फॉलो करते हैं और जो ये इस तरह के आपके फ़ैन पेजेस बनाते हैं, वो आपका एक इवेंट था, मैं इधर देख रहा था कि वो दिखा रहे हैं कि आप आ रहे हैं वो जा रहे हैं और पीछे गाना लगा हुआ है ठुकरा के मेरा प्यार और इस तरह का, इन चीज़ों से इफेक्ट नहीं होती डेली लाइफ आपकी? सोशल बंदे हैं हम लोग कौन सा मतलब कॉमन लोग हैं, तो ये चीज़ें तो आम है। लाजमी ज़्यादा मैं कहूँ कि मैं अब किसी कोई मुझे अब दो जिस तरह फवाद खान देख लें आप और साथ मैं भी फवाद की कोई बना दे, ठीक है, तब ये तो नहीं कि वो कंट्रोवर्सी में पड़ जाएं। वही कह जो फैंस की हद तक होता है और वो कर रहे होते हैं, सदाकत कोई नहीं है। हाँ उन्हें पसंद है गिरावट में लग गई है तो अब आप जबरदस्ती से आएंगे तो फिर मैं हंसूंगा ही ना, खुद मेरे से आप आवाज करें सर मुझे आप इतनी पकड़ा दें। मुझे आप खूबसूरत लग रहे हैं और माशाल्लाह भट्ट साहब बहुत ही खूबसूरत हैं। भट्ट साहब आपका तो नाम हीरा के साथ बड़ा जोड़ते रहे। अब देखिए ना, मैं जिसके साथ वीडियो बना तो मेरा नाम जोड़ देते हैं, मुझे नहीं समझ। लेकिन उनकी वालदा ने कहा मुझे अली भट्ट जो है ना दोस्त की हद तक पसंद है। उनकी वालदों को अली भट्ट शुक्र है पसंद तो है, दोस्त की हद तक ही सही चले। अब आप दुखी हो गए। मैंने अब आप अच्छा भट्ट साहब चलें छोड़ें ये बातें छोड़ें, आप परेशान हो रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं। मैं कोई परेशान नहीं हो रहा, मैंने परेशान कर लें बातें और कर लें। नहीं ना करें करें मतलब, लेकिन मैं इन बातों से परेशान नहीं होता, ये बहुत आम हो गई मेरे लिए। अच्छा भट्ट साहब अब आपसे ना मैं दो नाम लिया करूँगा और आपने ना उसमें से प्रेफर करना है कि कौन सा बेहतर है। मैं किसी को हमेशा मैं हर किसी को अपने से ना वो कहते नहीं है बेहतर समझते हैं। हाँ और सारी बेहतर है जिनके आप नाम लेंगे एडवांस पता लगे सारी बेहतर है। मैं तो फुल्लू का नाम लेने लगा था वही बेहतर है मेरे से। अच्छा और मैं तो उसके बाद वो नानी वाला वही बेहतर है मेरे से। सारे अलग शहर हयात वही बेहतर है मेरे से। हीरा बेहतर है। मुनीब तो ऑब्वियस सी बात है बेहतर ही बेहतर है। सर इस तरह ना करें, देखें मेरी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है। देखें आप मेरे से पूछेंगे कि आपको उमर पसंद है अली भट्ट पसंद है किसका कंटेंट ज़्यादा पसंद है, मैं उसमें बताऊंगा ना कि मुझे हाँ सर बींगा कंटेंट ही पूछ रहा हूँ आप क्या सोच के बताने लगे। नहीं नहीं मैं ये नहीं, आप मुझे कह रहे कि आप ना लोगों को ना वो दें सर ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट तो आप पूछ सकते हैं सर। वो डोली या सहर हयात दोनों ही कंटेंट नहीं बनाते वैसे तो, मतलब कि जो भी जिस तरह की भी एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। सहर हयात शहर हयात या हीरा ये भी दोनों कंटेंट नहीं बनाते सर, जरा जो भी बना रहे हैं उसमें दोनों ही ठीक हैं वैसे। शहर कोई एक नाम ले लें शहर हयात भोला रिकॉर्ड या शहर हयात। अब आप देखिए ना वो चल रही है वो कंपटीशन विन कर रही है, मैं इसलिए इस तरफ लेके जा रहा हूँ भोला रिकॉर्ड। भोला रिकॉर्ड साहब अली भट्ट साहब आपके फैन निकल आए हैं। भोला रिकॉर्ड या अब मुझे बहुत अच्छे टिकटॉकर्स के मुनीब
मुनीब और उनकी वाइफ बहुत अच्छा कंटेंट बाहर बना, वो तो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। मैंने देखा कि आप बकायदा उनकी वीडियोस में नज़र भी आते हैं हमें। सर अच्छा मुझे बताएं कि इन फ्यूचर टिकटॉक को किस तरह का प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा जो लोग शुरू में टिकटॉक पे बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे, बड़ी तनकीद करते थे, बहरहाल उन्हें टिकटॉक की इंपॉर्टेंस का पता लग गया, अब बड़े बड़े इवेंट्स टिकटॉक पे आ रहे हैं। ये बात तो है, ये जो सारे स्टार्स, फिरोज़ खान ने कहा था कि जो ये कैंसर है, कैंसर है, और आज इस कैंसर का खुद शिकार हुआ है। ठीक है, सब ने काफ़ी ऐसे लोग थे जो कहते थे वो टिकटॉक क्यों है तो टिकटॉक हुआ, लेकिन आज वो उन सब सारे लोग जो हैं वो इसी टिकटॉक की वजह से अपनी मूवीज़ जो है वो प्रमोट करवा रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं। आपको तो अंदर की काफ़ी बात, क्योंकि हम तो डायरेक्ट है ना इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ हम देख तो रहे होते हैं ना, कंटेंट नज़र तो आ रहा है ना। हाँ, लेकिन वो कुछ अंदर की बातें हैं जो ये अब कहते नहीं हैं कि टिकटॉक बस छोड़ें, फिर क्या ये बता दें, वो ऑडियंस नीचे पूछती रहेगी कि अली भाई क्या थी बात। वो बात यही है कि ये पहले ना किसी को जाने बगैर ना इतनी बातें नहीं करनी चाहिए, जब इतनी बातें कर रहे होते हैं फिर उस चीज़ को फिर ज्वाइन, हाँ फिर स्टैंड करना चाहिए, मतलब वो कहते नहीं यू हैव टू बी द मैन ऑफ योर वर्ड्स। ठीक है, तो वो काम करना चाहिए। अब उसके पीछे भी आप हो, उसके नीचे भी लग गए हो, फिर उसके ऊपर बातें भी करते रहे हो, मुखालफतें भी करते रहे हो, लेकिन अब आपको उसकी ज़रूरत भी है, जब ज़रूरत है तो फिर आप उसके नीचे भी लग गए हो। तो ये अली भट्ट साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि नाज़रीन टिकटॉक के प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, और अब वो वक्त है कि बड़े बड़े स्टार इसमें आ रहे हैं अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए इस पर आ रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की जितनी भी क्रिकेट सीरीज़ होती हैं उसमें बाकायदा तौर पर टिकटॉक जो है वो पार्टनर होता है। तो सर आप टिकटॉक को इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं, और मुझे ये एंड पर बता दें कि कैसे पता लगता है कि आप टिकटॉकर बन सकते हैं, कि आप रात को सोए हुए को डांस करने लग जाते हैं, को कंटेंट निकालने लग जाते हैं, पता कैसे लगता है कि यार मैं टिकटॉकर एक बन सकता हूँ? ये ना डिपेंड करता है कि आप मतलब किस टाइप के टिकटॉकर हो, पहली बात तो है ये, एक बात तो ये डिपेंड करता है कि कंटेंट बना रहे हो आप, फनी हो, ठीक है, डिसेंट है कि क्या है, कि सैड है, कुछ भी, एक बात। और दूसरी बात ये कि पता किसी को भी नहीं लगता, मुझे खुद भी नहीं था पता कि मैं मतलब इतना फेमस हो जाऊँगा टिकटॉक। कैसे इस तरफ आए, कैसे? मैं तो वैसे ही बैठा हुआ था अपने छोटे भांजे कज़न के साथ, जो मामू का बेटा था, उसका वीडियो बनाई, वो वायरल होगी, उमर ने मुझे लगाया टिकटॉक के ऊपर, फिर मैं परमानेंट टिकटॉकर ही हो गया उसके बाद। उमर ने ख़राब किया हुआ, उमर ने ख़राब किया हुआ। अच्छा बट सर मैं आपसे एक बात नोट कर रहा था, मैं आपसे जो भी बात पूछता हूँ आप उसका जवाब पता कैसे शुरू करते हैं कि बस यार ऐसे ही, बस ऐसे ही, आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही बहुत चीज़ें हो रही हैं। दिक्कत बात, अल्लाह पाक ने ऐसे ही सब कुछ दिया हुआ, हमारी इतनी औकात ही नहीं है। बट साहब इंटरव्यू का अख्ताम करने लगाऊँ, जरा को कंट्रावर्शियल सा जवाब दे दें कि शादी कब कर रहे हैं? शादी अभी मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैंने पहले भी, मेरे ख्याल है लास्ट कोई इंटरव्यू हुआ था तो उसमें मैंने जवाब दिया था 2 साल तक तो मैं बिल्कुल शादी नहीं कर रहा। अच्छा, हाँ, कोई मसाइल हैं या कोई वजह? मसाइल क्या होने हैं, ठीक है, वैसे यार मैंने बल्कि एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं आप, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, आप अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं? मैं अपने आप को मतलब एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ, यूँ कह सकते हैं। घर वालों की मर्ज़ी से करेंगे या अपनी मर्ज़ी से? मैं शादी अपनी मर्ज़ी से ही करूँगा, घर वालों की ऑब्वियस सी बात है। आप बहुत से लोगों को उम्मीदें दे रहे हैं। बेशक देता रहूँगा घर वालों उम्मीदें, लेकिन पहले मेरा टाइम था कि मैं घर वालों की मर्ज़ी से करूँगा, ठीक है, मेरा माइंड सेट यही था, लेकिन अब मैं घर वालों की मर्ज़ी तो ऑब्वियस सी बात है इंक्लूड होगी, लेकिन साथ मैं आप अपने तौर पे एक अच्छी खातून देख के, हाँ अच्छी खातून, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनमें? मेरी क्वालिटीज़ ये होनी चाहिए यार, मैं नाम कहाँ से शुरू होना चाहिए बता, नाम ABCDEFGH जिधर भी आए शुरू हो जाए, वो हो जाए शुरू, कोई मसला नहीं है नाम तो, ठीक है। क्वालिटीज़ ये होनी चाहिए, एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दूसरी मेरे साथ क्योंकि मैं बहुत मतलब एक कम्प्लिकेटेड सा लड़का हूँ, बहुत ज़्यादा सोचने वाला लड़का हूँ, बहुत ज़्यादा करने वाला लड़का हूँ, तो पता लग रहा है आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, और तो इसी वजह से मेरे साथ एटलीस्ट मेरे साथ खड़ी होने वाली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये वो जो मेरा एम्पायर टोटली अपने कंधों पर भी रख सके, मुझे इतना मतलब एतमाद होना चाहिए, बस यही बात। बहुत शुक्रिया जी।